वफ़वद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह खालिक़िल ख़ल्क़ बासितिर रिज़्क़ फ़ालिक़िल इस्बाह दय्यानिद्दीन रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन ला सियमा अला अकरमिल अंबियाइ वल मुरसलीन शफीइल मुज़नबीन रहमतल लिल आलमीन बिल क़ासिमी मुहम्मद। वअज्जिल फ़रजहु अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अरादीन साहिबिल अस्र वज़मान खलीफ़तिर रहमान इमामिल इंसे वल जान अल्लज़ी बियुमनिही रुज़िक़ल वरा व बिही तबततिल अर्दु वस्समा। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजहु शरीफ़। जब हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआएं या हमारे पर्सनल लाइफ के लिए हैं या हमारे घर वालों के लिए हैं, ख़ानदान के लिए हैं, दोस्तों के लिए हैं, मगर एक दुआ यह है जो सारे इंसानियत की भलाई जिसमें है, वो दुआ है मौला की। जब मौला तशरीफ़ लाएंगे तो सारे मुश्किलात हल होंगे। इंसानी मुश्किलात का हल ही ज़ुहूर मौला है। ज़ुहूर मौला में देरी हमारे किरदार है। किरदार साजी के साथ दुआ बेहतरीन वसीला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियका अल-हुज्जत इब्नुल व अला आबाए फी हादिहि सा व फी कुल्ले सा वलिया व हाफिदा। वदलीला वईना अत्ता तुस्किनहु अर्दका वतुमत्तहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिहिम नतवल्ला व मिन अअदाइहिम नतबर्रअ इलल्लाह। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरान कमा हमलतहु अला लदीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़्फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह व हुवा असदक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सबहा इब्राहीम बनीही व याक़ूब या बुनय्या बनय्या इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह वअज्जिल फ़रजहु। हमारी गुफ्तगू कल इब्तिदाई चंद बातें जुमले हिस्से दीनी, सेंस ऑफ रिलीजन, ये क्या चीज़ है, हम लोग किस तरह से इसको उजागर कर सकते हैं। ये अंदर मौजूद है, इंसान के अंदर मौजूद है। सिर्फ समवन चाहिए, कोई ऐसा शख्स चाहिए जो अंदर हमारे छुपे हुए इस राज को खोल सके। और ये मौजू दिया क्यों गया, कल मैंने बताया था। उसकी वजह 2 टीनेजर बच्चे हैं और उनके सामने तलवार है और वो लोग ये कह रहे हैं हमें कत्ल से पहले 2 रकात नमाज़ पढ़ने दें। ये जो जज्बा है ये इसको कहते हैं हिस्से दीनी। इसको जो हिडन ट्रेजर है, एक छुपा हुआ राज है इंसान का, इसको किस तरह से हम खोल सकते हैं, आज की हमारी एक बहस है। इंशाअल्लाह और साथ रहें तो बात होगी। सूरह बकरा की आयत है, शायद 121 है, जिसकी तिलावत का शरफ हम हासिल कर रहे हैं। कल हमने एक होमवर्क दिया था, उम्मीद है कि आप लोग उस होमवर्क को कर चुके हैं। जो आज नए आए हैं वो लोग वायदा करें। मैंने कल बताया था कि हमारी ज़िंदगियां हाईजैक हो चुकी हैं, हमारी ज़िंदगियां अगवा हो चुकी हैं। वी आर नॉट इन कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में हम नहीं हैं, कोई और कंट्रोल कर रहा है। वाहिद तरीक़ा यह है कि हम अपने आप को कंट्रोल में लाने के लिए क़ुरान की तिलावत से शुरू करें। रोज़ाना कितनी आयतें? 10 आयतें तर्जुमे के साथ रोज़ाना पढ़ें। उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो हमारी गफलतों के पर्दे हैं इसके पीछे राज क्या है। जब ये पर्दे हट जाएंगे तो यू विल बी इन अवर कंट्रोल, आप अपने ही कंट्रोल में रहेंगे, किसी के कंट्रोल में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हकीकत यही है। हज़रत याक़ूब और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्जंद याक़ूब, उन्होंने वसीयत की अपने बच्चों को, वस्सा बिहा इब्राहीम व याक़ूब, या बनिया, ए मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन चुन लिया है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए, इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, तुम्हारे लिए दीन चुन लिया है। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, शर्त यह है कि तुम मरो नहीं, इस स्टेटस में मरो कि तुम मुसलमान रहो। यानी तुम्हारी ज़िंदगी पूरी इस्लाम तो है ही, लेकिन जब आखिरी लम्हात हों तब भी तुम मुसलमान हो, ये वसीयत है। तो ये क़ुरान जो है कई मौज़ूआत को छेड़ता है। एक आयत के साथ आप सोचते चले जाइए, बहुत सी बातें पैदा होती चली जाती हैं। क़ुरान की ख़ुसूसियत है, क़ुरान फ़िक्र को छेड़ता है। और कल मैंने बताया था क़ुरान सवालात को उभार देता है, आपको जवाबात की तलाश में जाना पड़ेगा। जवाब एक ही घर देगा, कोई और नहीं देगा। खुद क़ुरान ने बताया है कि इसलिए कि न सिर्फ हमने क़ुरान भेजा है, क़ुरान वाले भी भेजे हैं। कि क़ुरान बताएगा कि क्या है, समझ में नहीं आया तो किससे पूछना है, उन क़ुरान वालों से। इसीलिए चौथे इमाम ने फरमाया अल क़ुरान यहदी इलल इमाम वल इमाम यहदी इलल क़ुरान। क़ुरान कहता है इमाम से पूछो, इमाम फरमाते क़ुरान में देखो। तो जब भी इमामों के पास सवाल किए जाते थे तो पहले इमाम क़ुरान की आयत, जब क़ुरान की आयत पढ़ते तो ऐसे मालूम होता था वो आयत उसी वक्त नाजिल हुई है, इसलिए कि असल बोलने वाला यही तो है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। फ़रजहुम, ये जो आयत है, इस आयत से ये पता चल रहा है हमारे अंदर एक दीन है ऑलरेडी, अंदर हमारे वजूद में एक दीन है, उस दीन को अल्लाह ने चुन लिया है। अब यहाँ पर बहस है दीन क्या है, दीन जिसको चुन लिया ये क्या है, ये समझ में नहीं आता। एक हदीस, इसको आप हमेशा से सुनते रहते हैं माशाल्लाह उलमा से, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा जो है उसकी फ़ितरत में पैदा है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन नेचर, सिर्फ नेचर नहीं है, अनेट डिस्पोजिशन, यानी ये वो चीज़ है जो अंदर गूंधी हुई है, जिबिल्लत में इंसान के डाल दी गई है। वो क्या है? मज़हब, दीन है। तो बग़ैर दीन के इंसान रह नहीं सकते। ये जो कहते हैं कि हमारा कोई दीन नहीं है, वो ख़ुद एक दीन है। तवज्जो बहुत अच्छी तरह समझिए। दीन की तारीफ़ कीजिए, व्हाट इज़ रिलीजन, दीन क्या है? दीन सलीक़े हयात, ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े को कहते हैं दीन। तो कौन इंसान है जिसके पास ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा नहीं है? तवज्जो, तो हर इंसान का एक सलीक़ा है, वो ज़िंदगी गुजारता है। अब ये देखना है कि आया उसका सलीक़ा इस्लाम के बराबर है या नहीं है। अगर इस्लाम के बराबर है तो मुसलमान है, वरना उसका अपना दीन है इस्लाम। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग इशू है। वो इशू ये है कि पैरामीटर्स पहले बता दिए गए हैं, ये पैरामीटर्स पे उतरोगे तो मुसलमान हो, अगर नहीं उतरो तो मुसलमान नहीं हो। इसीलिए उस हिंदू शायर ने कहा है, जाम पर जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे। जी, जाम पर जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे, कत्ल इमामों को किया। जी, जाम पर जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे, कत्ल इमामों को किया फिर भी मुसलमान रहे, है यही दीन। तो इस दीन से तौबा माथुर शक पैगंबर पे किया। ला सलाना। अगर रिसालत पे शक होने के बाद फिर दीन कहाँ बाकी रहा? कोई ख़त्म हो गया ना। अभी अगर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, सलावत पढ़े मामा, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। अगर कह रहे हैं तो हमें यकीन होना चाहिए कि सरकार अल्लाह के रसूल हैं। अगर शक हो गया तो फिर मुसलमान कहाँ रहा? नहीं। तो इसीलिए कोशिश हमें करनी है कि हमारी लाइफ को पैरामीटर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के पैरामीटर से मिलाना है, ना ये कि इस्लाम को हमारे तवज्जो बहुत अच्छी तरह से। मेरी अपनी एक ज़िंदगी का सलीक़ा है, मैं उसको ला रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यही इस्लाम है। ना, गलत है भाई। इस्लाम ने पहले बता दिया है, ये इसके तुम्हारे अक़ायद हैं, ये तुम्हारा अमल है, ये तुम करोगे तो मुसलमान हो, नहीं हो तो तुम, नाम तुम्हारा मुसलमान है, तुम्हारे पास इस्लाम नहीं है। तो दीन इस्लाम ने, ये मौजू मैंने छेड़ा क्यों? माशाल्लाह पॉश एरिया में, एजुकेटेड एरिया में एक बहुत ही अहम बहस है। मैं कल बता रहा था, दीन को सिर्फ मौलवियों के हवाले मत कीजिए, दीन सबकी ज़िम्मेदारी है, सिर्फ मौलवी की ज़िम्मेदारी नहीं है। अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस कीजिए। मसलन हमारे बच्चे जा रहे हैं न्यूज़ीलैंड, कभी बाज़ बच्चों को भेजते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया को, यूरोप को, वही रशिया भी जा रहे हैं, वही अमेरिका भी जा रहा है। बच्चों में एक ऐसी हिस पैदा कर देनी है कि वो एयरपोर्ट पे भी है, नमाज का वक्त आ गया तो मुसल्ला बिछा दे। ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? इसी की तरफ इशारा। ये टीनेजर बच्चे, दो बच्चे जो यतीम हैं, 1 साल तक कैद में हैं, इन बच्चों के सर पे तलवार है, ये कह रहे हैं हमें मारना है, मार लो, मगर 2 रकात नमाज पढ़ने दो। ये कौन सी हिस्स है? क्या ये हम लोग क्रिएट कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। अगर हम लोग अपने दीन में शर्मिंदा रहेंगे, जुमला समझने की कोशिश कीजिए, अगर हम लोग शर्मिंदा रहे दीन में, नमाज में भी शर्मिंदगी है, वज़ू में भी शर्मिंदगी है, रोज़े में भी शर्मिंदगी है, अगर हम लोग प्राउड करें अपने दीन पर, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, यू आर दी बेस्ट, तुम बेहतर हो। इन्हें बचपने ही से उस बच्चे के जहन में डालना है कि तुम्हारे से बेहतर कोई नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि तुम उस दीन को मानते हो जिसको अल्लाह ने तुम्हारे वजूद में डाला। तो अगर ये इंतखाब हमारा सही हो जाए, ये इंस्टिल कर सकें कि हमारे बच्चों में तुम्हारे पास दीन से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, और तुम जहाँ भी जाओ वो दीन बाकी रहे, वरना नहीं क्या होगा? कितने करबला गए जा रहे हैं इंशाअल्लाह 40 में 20 मिलियन, माशाअल्लाह, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, 22 मिलियन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक या हुसैन, सब मिलकर लब्बैक या हुसैन, सब लोग कह रहे हैं लब्बैक या हुसैन। और जैसे ज़ियारत करके आए, प्लेन में बैठे, वो जो चादर जो वहाँ इतनी गाढ़ी थी निकल गई। भाई क्या हो गया भाई? जव्वार बन के आए बड़े शोर व शान से, ईमा लिपट के रह गया कब्र हुसैन से। आप सोचें इस बात पर कि क्या करें इसको, इसमें हमारी कहीं गड़बड़ कहाँ पर है? ये हम समझे कि करबला में हरम इमाम हुसैन में दीन है। तवज्जो तवज्जो, इमाम मासूमीन के पास दीन है, खाना काबा के सामने दीन है। दीन स्पेस का नाम नहीं है, मकान का नाम नहीं है, ज़मान का नाम नहीं है, दीन ज़िंदगी है। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से, मेरी तरफ से नहीं कहता, मेरे पीछे आयतें हैं मेरे साथ, आप लोग सब मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। देखिए आयत कुरान की, सूरह अनफाल, कुरान में 114 सूरह हैं, 8वां सूरा है सूरह अनफाल, उसकी 24वीं आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, किससे बात कर रहा अल्लाह? या अय्युहन्नास नहीं है, जनरल पब्लिक नहीं है, ये मोमिनून कौन है? ये तो मालूम उनकी लॉजिक ये नास की लॉजिक नहीं है, उनकी मंतिक आवाम की मंतिक नहीं है। आवाम ये कहते हैं दुनिया में ये हो रहा है इसलिए हमें करना पड़ रहा है, दुनिया में ऐसा हो रहा है इसलिए हमें करना पड़ रहा है। मगर मोमिन की लॉजिक ये नहीं है कि दुनिया में ये हो रहा है ये करना है, हमें मोमिन की लॉजिक है अल्लाह का हुक्म है इसलिए। जी मोमिन कौन है, उसकी लॉजिक क्या है? युमिनूना बिल, मजमा मेरे साथ रहे, युमिनूना बिल। तो मालूम है हमारी लॉजिक मैटर नहीं है, हमारा लॉजिक है मंतिक, हमारी युमिनूना बिल गैब है, दूसरी दुनिया में हम रहते हैं। तुम्हारी दुनिया दुनिया की दुनिया नहीं है, दीन की दुनिया कहाँ से शुरू होती है? युमिनूना बिल गैब। आइए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बात है, खुसन जवान बच्चों के लिए याद रख लीजिए इस चीज़ को, साइंटिफिक तौर पे साबित करता हूँ मैं, इंशाअल्लाह बात बहुत वाज़ेह होगी। आज वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, कॉलेज में पढ़ा जा रहा है। क्या बिग बैंग थ्योरी क्या है? एक बैंग हुआ, एक आवाज़ आई और फटा, उसके बाद आसमान बन गया, सितारे बन गए, ये सूरज गब सब ठीक बन गया। हाँ सीधा सीधा। अच्छा ये यूनिवर्सिटी में जो बिग बैंग थ्योरी पढ़ाते हैं ये भी पढ़ाते हैं वेयर देयर इज़ ए कॉज देयर हैज़ टू हैव इफ़ेक्ट। जहाँ इल्लत है मालूल का होना ज़रूरी है, जहाँ मालूल है इल्लत का होना ज़रूरी है। अगर बिग बैंग को हम मालूल माने, मजमा मेरे साथ रहे, अगर हम मालूल माने, इफेक्ट माने, व्हाट इज़ द कॉज, उसका इल्लत कौन है? तुम ही ये पढ़ाते हो मंतिकी बात करो, अक्ली बात करो, बग़ैर अक्ल के आने के बात मत करो, मुझे समझा दो। हर चीज़ के लिए तुम ये कहते हो बग़ैर इल्लत के नहीं हो सकती। तो ये जो बिग बैंग की इल्लत क्या है, व्हाट इज़ द कॉज? मजमा मेरा साथ रहे, कॉज वो अलग बताते नहीं, भाई फ्लुक में हो गया, नहीं भाई हमें फ्लुक मानते नहीं हैं। तुम यही समझाते हो कि मंतिक में तुम्हारी लॉजिक ये होना चाहिए, जहाँ भी इल्लत हो मालूल का होना ज़रूरी है, कॉज जहाँ है इफ़ेक्ट का होना ज़रूरी है, इफ़ेक्ट जहाँ है कॉज का होना ज़रूरी है। बिग बैंग इफ़ेक्ट है, कॉज क्या है तुम्हारे पास? मजमा है मेरे साथ? बहुत मुश्किल कीजिए, बहुत ही मुश्किल, आसान नहीं है, साइंस जवाब नहीं दे पाती। यहाँ पर युमिनूना बिल गैब जवाब देता है। युमिना बिल क्या जवाब देता है? उठाइए सूरह, सूरह अंबिया 21वां सूरा है, 30वीं आयत है। तोहफा लेके जाइए यहाँ से, कितना लज्जत उठाइए मेरे नौजवानों, दीन कितना हमारा आगे है। अवलम यरल्लदीन, खुदा ये कह रहा है जो लोग काफिर हैं, अवलम यरल्लदीन कफरू अन्नस्समावाति वल अर्दी कानता रतकन, क्या नॉन बिलीवर्स जानते नहीं हैं? काफिर को काफिर मत बोलिए, नॉन बिलीवर्स बोलिए। काफिर का तर्जुमा नॉन, जो बिलीव नहीं करते वो नॉन बिलीवर्स। नॉन बिलीवर्स दुनिया में बहुत कम है। तवज्जो तवज्जो, बहुत अजीब जमा जुमला कह रहा हूँ मैं। अगर हत्ता हिंदू भी बिलीवर है, वो कृष्णा कुछ उससे पूछें कि कौन पैदा किया? भगवान। वो कहता है भगवान। कायनात को कैसे पैदा किया? का भगवान। किसने पैदा किया? भगवान। बहुत कम है जो डिनाई करने वाले हैं, मेजॉरिटी बिलीवर्स हैं कह रहा हूँ। अलबत्ता उसके स्टेटस अलग हैं, उनके सोचने का अंदाज़ अलग है, लेयर्स अलग हैं, समझने का अंदाज़ अलग है, लेकिन अक्सर तबीयत पब्लिक की जनरल ह्यूमैनिटी जो है मानती है कि कोई खालिक मौला। ये नॉन बिलीवर्स के लिए कुरान कह रहा है, नॉन बिलीवर्स जो लोग ईमान नहीं लाते वो जानते नहीं हैं। कायनात एक रत्ख थी, या रत्ख के माने वन एंटिटी थी, एक चीज़ थी। अल्लाह का फफ़तक़नाहुमा, हमने इसको फाड़ा। हा तवज्जो का तालिम हो तो मालूम हुआ ये बिग बैंग थ्योरी भी कहाँ से ली गई? कुरान से ली गई। आधा लिया गया, आधा छोड़ दिया गया। बिग बैंग को माना, इफ़ेक्ट को माना, काज को नहीं माना, इल्लत को माना, मालूल को माना, इल्लत को नहीं माना। तुम्हारे पास इल्लत नहीं मालूम है, हमारे पास मालूम है। ये जो बिग बैंग हुई है, इसका करने वाला भी खालिक। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं, आपकी सलावत थकी हुई है ज़रा। देखिए मेरे साथ अच्छी तरह समझिए, बहुत अच्छी तरह से। अब इससे पहले भी मेरा एक सवाल है, वो जो एंटिटी है, एक चीज़ है, वो कहाँ से आई? जी अक्लमंद हो तुम, हो होशियार हो तुम लोग, ये पूछो भी ये बिग बैंग के लिए कोई चीज़ थी पहले से मौजूद? ये गठड़ी थी, फट गई, फटी तो ये कायनात बनी। वो गठड़ी कहाँ से आई? वो गठड़ी का इब्तिदा क्या है, कहाँ से वो आई? तुम नहीं बता सकते, तुम नहीं बता सकते। मेरी शहजादी फ़ातिमा ज़हरा बताती है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुतबे फतक उठाइए, खुतबे फतक में शहजादी फरमाती हैं, ज़ात परवरदिगार वो खालिक है जो बग़ैर लाशय के शय को बनाया। आहा हा हा हा, लैसा कमिस्लिही शय, अल्लाह का कोई मिसाल नहीं है। दुनिया में, कायनात में कोई शय नहीं थी, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी बनाने वाला। ये जवाब हमारे पास है, तुम्हारे पास मौजूद नहीं है। अगर तुम इस जवाब को नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा? सिफर। मजमा समझने की कोशिश करें भी, अगर हमने इस जवाब को नहीं लिया तो हमारी कीमत हो जाएगी सिफर। सिफर की वैल्यू क्या है? बच्चों से पूछिए जी, मैथ में पूछिए सिफर की व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ज़ीरो। मौलाना सिर्फ ज़ीरो की कोई कीमत नहीं है। अच्छा पहले क्या होगा? नंबर लिखना पड़ेगा। अच्छा नंबर लिखा एक, अगर लेफ़्ट में लिखूं ज़ीरो को तब भी वैल्यू नहीं, तो असहाबे शिमाल भी नहीं चलता, तो असहाबे शिमाल नहीं चलता। राइट पे लिखना किसी भी लैंग्वेज में, पहले एक लिखिए, एक लिखने के बाद सिफर कहाँ लगाइए? दाहिने तरफ। हो गए कितने? 10। 2 लगाइए 100, 3 लगाइए 1000, 4 लगाइए 10,000, 5 लगाइए 1,00,000। 1 followed by eternity of zeros, ज़ीरो लगाते चले जाइए, कीमत बढ़ती चले जाएगी। एक जैसे ही निकला सब ज़ीरो हो जाएंगे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान भी यही कह रहा है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरा रोज़ा, मेरी कुर्बानी, मेरी तमाम इबादतें किसके लिए हैं? यानी आई एम ज़ीरो, मेरा अमल ज़ीरो। इस ज़ीरो की कीमत क्यों है? इसलिए कि मेरे पास। अब मेरा मौला हुसैन क्या कह रहा है दुआए अरफा में? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मल्लदी फ़क़दा कमा वजदा, जिसने तुझे खोया उसके पास क्या है? कौन कह सकता है मारिफत की उस मंजिल पर हो? ये कहता है। अब दुआए अरफा को खुसन नौजवानों को चाहिए, साइंटिफिक दुआ। हर दुआएं साइंटिफिक हैं, कुरान की हर आयत साइंटिफिक है। इस दुआ में मौला ने आँख क्या है, कान क्या है, ज़बान क्या है, एक एक चीज़ को गिना है। मालिक तूने आँख दिया, मुने तूने ज़बान दी, तूने कान दिए, तूने शिकम दिया, ए शुरू किया मौला ने। फिर उसके बाद बताया क्या क्या चीज़ें इसे क्या है मतलब बताना चाहते हैं मौला बताना चाहते हैं कि आई एम नथिंग बट ही, मैं कुछ नहीं हूँ। अब इसके माना है ला इलाह। हाय हाय हाय, समझने की कोशिश कीजिए। ला इला पहले कुछ नहीं कहो, कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है वो अल्लाह है। अगर ये हो जाएगा तो फिर कहीं ज़िंदगी इंसान की समझ में आ जाएगी, कुछ वैल्यू इंसान में आता चला जाएगा। इसीलिए कहा गया जिसका अमल हो बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है। हाँ भाई, जिसका अमल हो बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है। हूरो ख़याम से गुज़र बादा वो जाम से। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज्जल फ़रज। ये जो है हम लोग मौलाना, हम लोग जब तक के साइंटिफिक लेवल पे बात नहीं करेंगे नौजवान समझेंगे। अब लीजिए साइंस तो बता रहा हूँ मैं, इब्तदाई कायनात कहाँ से शुरू हुई हम लोग कोई साइंस बता दूँ, सब लोग बिग बैंग पे पहुँच जाते हैं। बिग बैंग को जब हम काउंटर करते हैं जवाब नहीं देते हैं। क़ुरान की हर आयत क्या है, मेरा मजमा साथ रहे, साइंटिफिक है। इसी आयत का आखिरी ततिम्मा है, आखिरी हिस्सा है, वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हई, हमने हर चीज़ पानी के ज़रिए से ज़िंदगी दी है। यानी पानी जहाँ है वह ज़िंदगी है, पानी जहाँ नहीं है वहाँ ज़िंदगी नहीं है। मार्स में जाने वाले सिर्फ ये देख रहे हैं पानी मिल जाए तो रहेंगे। तवज्जो, कुरान 1400 साल पहले बताया लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा पानी है और पानी बगैर हयात नहीं है। 1400 साल पहले एक शख्स अरबियन पेनिनसुला में जीता है, ना कोई यूनिवर्सिटी गया, ना कोई उस्ताद है, ना कॉलेज है, ना कोई लैब है, ना कुछ भी नहीं है उसके पास। उसने शिकमे मादर के पूरे स्टेजेस को बताया, आसमानों की बातों को बताया, समंदरों में सफ़र नहीं किया समंदर की बात बताया, हवाओं में सफ़र नहीं किया हवाओं की बात बताया, फ़िज़ाओं में सफ़र नहीं किया फ़िज़ाओं की बात बताया, और मछलियों को नहीं देखा मछलियों की बात किया, जंगलों को नहीं देखा जंगलों की बात किया। ये कौन है जो 1400 साल पहले वो एक ऐसे मकाम पर जीता है जहाँ पर कोई ऐसे रिसोर्सेस नहीं हैं? तो मालूम है एक नॉलेज है जो उसके पास एक अजीम जात से आ रही है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये हिस्से दीनी को पैदा करना साइंटिफिक बुनियादों पर बहुत ज़रूरी है। मैं आपको और एक मिसाल दूंगा। हमारे पास टोरंटो में एक यूनिवर्सिटी है, टोरंटो यूनिवर्सिटी। वहाँ पर एक डॉक्टर है जिसने फीटस पे स्टडी की है, माँ के शिकम में जो बच्चा है उसके स्टेजेस को। जब उसने अपने पेपर्स पेश किए कि देर आर 6 स्टेजेस, 6 स्टेज हैं माँ के शिकम में, जब पेश कर दिया तो एक लड़का उठा, उसने कहा सर हमारी किताब है कुरान, इसमें है नुतफ़ा मुदग़ा अलक़ा कसौन निज़ाम फ़ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। आप ये कह रहे हैं 6 स्टेजेस 1400 साल पहले कुरान में मौजूद है। वो परेशान हो गया। उसका नाम है डॉक्टर मोर, MOORE। मैं नौजवान जाएँ जाकर के रिसर्च करें, आप जा सकते हैं, आज भी मौजूद हैं उसके लेक्चर्स। उसने एक्नॉलेज किया है कि मैं जिसको कई साल स्टडी करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा था कि माँ के शिकम के अंदर कब पहुंचा था, जबकि हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, स्कैनिंग सिस्टम है, बच्चे के डेवलपमेंट को देख सक रहे हैं। तब मैं बताया हूँ 14 साल पहले उसने उस वक्त बताया है, ना कोई स्कैनिंग थी, ना है भाई, ना कोई अल्ट्रासाउंड था। तो मालूम मानना पड़ेगा इल्म का एक सोर्स है जिसका नाम है वही। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो एक नॉलेज है जो सोर्स है, सोर्स ऑफ क्या है वही। अब आइए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है मेरे साथ आप लोग? किससे बात कर रहा है अल्लाह? मोमिनीन से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिरसूलि इज़ा दआकुम लिमा युह्यीकुम। अल्लाह और रसूल बुला रहा है तुम्हें। इमाम हुसैन जो कह रहे हैं हल मिन नासिरीन, जी सिर्फ इमाम हुसैन नहीं, अल्लाह भी कह रहा है हल मिन नासिरीन। मौलाना क्या कह रहे हैं आप? जी उठाइए सूरा इन तंसुरुल्लाह पढ़िए यंसुरकुम, तुम अगर अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी। अल्लाह तो गनी है भाई, बेनियाज है, उसकी क्या मदद करना है? इन्नल्लाह गनीयुन अनिल आलमीन हुवस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद व हुव अला कुल्लि शयइन कदीर। वो गनी है, कुदरत रखता है, सब कुछ है। ये क्या है जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा? ये अल्लाह की मदद कैसे भाई? सुन्नी मुफसरीन, शिया मुफसरीन को जॉइंटली स्टेटमेंट देते हैं, यहाँ इन तंसुरुल्लाह के माने अल्लाह की मदद नहीं है, अल्लाह के दीन की मदद करो। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जितना तुम दीन की मदद करते चले जाओगे अल्लाह तुम्हारी मदद करे। ये परेशानियाँ क्यों हैं? इसलिए कि दीन की मदद नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग दीन की मदद करने लगे खुद ब खुद हमारी मदद होगी। दीन यानी उसूल, प्रिंसिपल्स, इसकी मदद करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल। अल्लाह और रसूल पुकार रहे हैं, पुकार रहे हैं, पुकार रहे हैं। क्या जवाब? जवाब दो, लब्बैक बोलो। लब्बैक या अल्लाह, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जो हज में कहते हैं। क्या माने लब्बैक के? हियर आया, मैं आ गया परवरदिगार, आ गया परवरदिगार। हज में ही क्यों यार? जब अजान हो अल्लाहु अकबर कहो लब्बैक। हदीस में छठे इमाम फरमाते हैं जब कुरान पढ़ो जहाँ जहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए फ़ौरन कहो लब्बैक, इसलिए कि अल्लाह पुकार रहा है। तुम बोलो मालिक हासन हो सुना, तू क्या सुनाना चाह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम। जब भी अल्लाह और रसूल का बुलाए तुम्हें तुम जवाब दो। क्या होगा? लिमा युह्यीकुम, ताकि तुम्हें ज़िंदगी मिले। हाय 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 कुरान। तो मालूम हुआ हमारे पास ज़िंदगी नहीं मिल सकती जब तक के जवाब नहीं देंगे। किसका जवाब देना? अल्लाह का जवाब देना है, रसूल का जवाब देना। जवाब देंगे तो क्या होगा? जिंदगी। इसीलिए मौला क्या फरमाते हैं? अन्नास नियामुन, लोग सो रहे हैं जी, लोग सो रहे हैं। इदा मातुन तबहू, मरेंगे तो उठेंगे। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। जब मरेंगे तो टू लेट, इतनी पट्टी ऊपर पड़ गई है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, कोई खोलने वाला कब्र को नहीं है। मौला फरमाएंगे कब उठेंगे? कब्र में उठेंगे। लोग सो रहे हैं तो कहने दीजिए मुझे जुमला बना। नींद में लड़कपन, नींद में जवानी, नींद में स्कूल, नींद में कॉलेज, नींद में डॉक्टरेट, नींद में उसके बाद शादी, नींद में बच्चे, नींद में बुढ़ापा, नींद में। है 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 भाई, इसका क्या होगा जो नींद में ज़िंदगी बसर कर रहा है? अगर देखना है वो कितना होशियार है, उसकी ज़िंदा है, तो देखो वाइट हाउस में बैठा हुआ माँ का बड़ा पावरफुल आदमी एक जंगल में लेक्चर हो रहा है, जंगल में लेबनान के। ये बैठ कर के अपने एडमिनिस्ट्रेशन में तर्जुमा करवा रहा, अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है। भाई दुनिया में इतने बोलने वाले हैं, उसको क्यों सुन रहे हो? जुमला सुन लीजिए, जो जिंदा बोलते हैं सुनना ही पड़ता है। धन्यवाद, बढ़िया। मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी, जब जिंदा बोलता है सुनना ही पड़ता है। कितने खुतबे हैं दुनिया में? अच्छा, लाहौर में जुम्मा के खुतबे कितने हैं? हिसाब ही नहीं है हमारे पास, बहुत ज़्यादा खुतबे हैं। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में कितने हैं? हज़ारों। पूरी दुनिया में कितने खुतबे जुम्मे हो रहे हैं? हज़ारों। मगर किसी जुम्मे का असर किसी पे नहीं हो रहा। लेकिन एक जुम्मे का खुतबा मस्जिद से नहीं आता, तेहरान यूनिवर्सिटी से निकलता है, उसका वर्ड टू वर्ड साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन होता है। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, अभी परेशानी क्या है यार। कुरान ये कहता है जिंदों की बातों को सुनना पड़ता है, जब जिंदा बोलते हैं तो सुनना पड़ता है, जब जिंदा क़ियाम करता है तो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये दीन की हिस्स को हम लोग हमारे नौजवानों में ये इंस्टिल कराना है कि ठीक है। मैंने बताया तो पहले दिन वहाँ पर जामिअतुल मुंतज़िर में कि एक नौजवान मुझसे सवाल करने लगा, मौलाना आई हैव अ डाउट। एक विलेज में, बड़े सिटी में भी नहीं, इसी पाकिस्तान के एक विलेज में, मुझे शक है ये कुरान जो है फैब्रिकेटेड। अस्तग़फिरुल्लाह, मुसलमान बच्चे। फिर एक दो दो घंटे के बाद किसी हद तक अल्लाह ने तौफीक दी, ज़रा सा मुतमईन करके भेजे। बाद में मुझे रात भर मुझे सताया कि एक जवान क्यों पूछ रहा है ये सवालों को। नतीजा बताऊं मैं आपको, सुनने के लिए तैयार हैं? हमारे बच्चे चाइना में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे न्यूजीलैंड में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे रशिया में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे यूरोप में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में, कनाडा में। यहाँ से जब वहाँ जाते हैं, चाइना कोई रिलीजन नहीं है जी, वहाँ देखते हैं रास्ते साफ, हर शख्स सच बोलता है, झूठ कहीं नहीं है। तवज्जो तवज्जो, मेरे साथ रहिए, बहुत समझने की कोशिश कीजिए। जाते हैं न्यूजीलैंड को, सब सच बोलते हैं, झूठ का नाम नहीं है। अमेरिका जाते हैं, सब सच बोलते हैं, झूठ का नाम नहीं है। कनाडा जाते हैं, सब झूठ सच बोलते हैं, झूठ का नाम नहीं है। रास्ते साफ, हुकूमत अच्छी, ना ये ना गड़बड़, ना अल्लम ना गुल्लम ना गट्टम, कुछ भी नहीं है। ना इधर पढ़ना हो, ना सर पे ना हो, ना कुछ ना कुछ नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी दुनिया चल रही है, परफेक्ट। जब वहाँ दुनिया में जाते हैं, अपने मुल्क को आते हैं, तो ये तो मुसलमान है, वो मुसलमान नहीं है, तो इस्लाम से नफरत होने, ये वजह है इस्लाम से दूर होने की हमारे नौजवानों के। इसलिए कि ज़िंदा इस्लाम, इसीलिए सैयद क़ुतुब बहुत बड़ा आलिम गुज़रा है इजिप्ट का, वो किताब है, उसकी तफसीर है, तफसीर फ़ी दिलाल कुरान। वो जब गया था अमेरिका को, वापस आने के बाद एक जुमला बोला उसने, सिर तो मग़रिबन वजदतुल इस्लाम बेदूनिल मुस्लिम। वेस्टर्न कंट्रीज़ की सैर किया मैं, इस्लाम मिल गया, मुसलमान नहीं मिला। जब अपने कंट्री में आया तो मुसलमान मिला। ये है परेशानी। अब इसको कैसे उल्टें, कहाँ से शुरू करें? तो कभी किसी के घर को ना देखें, अपने घर को बचाएं। सलवात पढ़िए। कुरान ने मेकानिज़म दिया, कुरान ने मेकानिज़म दिया। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह जो है किसी कौम की हालत को नहीं बदलता, इंडिविजुअल, बजाय इसके कि वो नहीं, ये नहीं, ना मैं देखूँ। इसीलिए कुरान, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। लगी हुई है, हर घर में आग लगी हुई है, किसके घर में नहीं है भाई आग? हर तरह की आग है। देखो इस आग को, भागो यहाँ से, बचाओ अपने आप को। ये कौन सी आग है? तत्तलउ अलल आफिदा, अंदर ही जलाती है। आप रहते अच्छी जगह पर हैं मगर अंदर जल रहे हैं, क्यों? इसलिए कि वी हैव लॉस्ट, हम लोग लूज़ कर चुके। तो ज़रूरत है एक बड़े इनकलाब की ज़रूरत है, बजाय इसके कि कंट्री की तरफ देखें, हम लोग अपने एक एक फ़र्द को देखें। इंशाल्लाह यहाँ से जाकर जाइए तो दीन की जो हिस्स है इसको जगाइए, इसको बेदार कीजिए। जब बेदार करेंगे तो आपको कंपेल करता है, फितरत कहती है कि अब कुरान पढ़, अब तर्जुमा पढ़, अब तफसीर पढ़, तफसीर नमूना पढ़, अब तलाश कर। जब पूरा माशरा बेदार हो जाएगा तो फिर कोई बेदारी को रोक नहीं सकेगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद अल्लाह। वअज्जिल फरजों, ये गर्दन पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, इन जिम्मेदारियों को कौन लेगा? वरना मैं बहला सकता हूँ मैं आपको जो है। देखिए मैं ख़तीब हूँ, आपको एक घंटा उठा सकता हूँ, बिठा सकता हूँ, नारे सलवार यहाँ झूम जाके उसके बाद क्या नतीजा निकला, अच्छी हो गई मजलिस, ये मज़ा आ गया। जी हमेशा कहते हैं मज़ा आ गया। अंबिया मज़ा लेने के लिए देने के लिए मैसेज नहीं पढ़ते थे, बल्कि मेंबरों पे जाके रुलाते थे उठो। तो ये मेंबर मज़ा देने की जगह नहीं है, बेदार करने। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसके माने नहीं कि फ़ज़ाइल ना पढ़ें। जी हाँ पढ़ता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ। आपके लिए भी ज़रा मुस्कुराइए तो ज़रा देखिए, यूँ सब अली पे अपना लुटा देना चाहिए। जी यूँ सब अली पे अपना लुटा देना चाहिए, वो ख़ुद ये सोचे अब इसे क्या देना चाहिए। भाई यूँ सब अली पे अपना लुटा देना चाहिए, वो ख़ुद ये सोचें अब इसे क्या देना चाहिए। नाम अली है असल में एक ऐसे रब्त का, नाम अली है असल में एक ऐसे रब्त का, यादिन को रख के सबको भुला, यादिन को रख के सबको भुला देना चाहिए। ना आग लगाना अच्छा, ना आग को हवा देना अच्छा, लेकिन देखिए इस्तेमाल, बुझने ना पाए आतिश हुब्बे अली कभी। आहा हा हा, बुझने न पाए आतिश हुब्बे अली कभी, इस आग को हमेशा हवा देना चाहिए। तरसलावाद अल्लाह। क्या है फ़ज़ाइल अहले बैत? मोटिवेशन फैक्टर। जुमला समझने का, मुहर्रिके अमल, मुहर्रिके अमल। अगर ज़रा सुस्ती आई कहो या अली और क़दम बढ़ा। क्यों? अली ने बताया अव्वलुद्दीन मारिफतुहू, दीन का पहला जीना। मजमा 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 जी मौला अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा का पहला खुतबा, अव्वलुद्दीन दीन का पहला जीना मारिफतुहू। अल्लाह अल्लाह। अगर चाहते हो दीन, पहला जीना क्या है? अल्लाह की मारिफत करो, यानी वो एक पहले लिखो, फिर तुम्हारे सिफर में कीमत होगी। जी अगर तुमने एक नहीं लिखा तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। युसरून अला अनफुसहिम वलौ काना बिहिम खसासा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकुरा। ये कौन सा घराना है? खैरात करते हैं, काम करते हैं, खिलाते हैं भूखों को, सब कुछ किसके लिए? हम लोग क्या करते हैं? चाय पिलाते हैं, जहन में होता फिर पिलाएगा, दावत देते हैं, जहन में होता दावत देगा। हम जो करते हैं हमेशा रिटर्न की उम्मीद में करते हैं। अहले बैत ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन, किसके लिए? इन्नमा नुतइमुकुम। ये हिस्से मजहबी दीन का पहला जीना अल्लाह की मारिफत और अल्लाह की मोहब्बत। हकीकत में ये न्यूक्लियस है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तुम मेरी इत्तिबा करो। इन रिटर्न क्या करेगा अल्लाह? तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। टू लव टू बी लव, दो ही इंसान के जज्बे हैं। मोहब्बत करूं, मोहब्बत किया जाऊं। मैं किसी से मोहब्बत करूं और मुझसे कोई मोहब्बत करे। सबसे बड़ी मोहब्बत कौन सी है? मैं मिसाल देता हूँ, समझ में आए। देखिए हिस को आबा, माँ कभी कभी बच्चा जब रोता है ज़्यादा तो क्या देती है? चूसनी, टूदर कहते हैं उसको। जी मुंह में चूसनी देती। वो बेचारा मुंह में रख के फिर रहा है, खेल रहा है, समझ रहा कुछ आ रहा है। तवज्जो मेरा साथ मजमा समझने की कोशिश कीजिए। ये चूसनी है, कुछ आ रहा जा रहा नहीं है। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो चूसनियाँ हैं, असल मोहब्बत अल्लाह। बहुत बढ़िया। मोहम्मद वाले मोहम्मद राम। क्यों, कैसे क्रिएट करें ये लव ऑफ अल्लाह, किस तरह से क्रिएट किया जाए? तो ये घराने ने बताया कि किस तरह से इंस्टिल करना है। सऊदी अरब में मैंने हज के बाद एक छोटी सी किताब बुकलेट देखी, सऊदी अरब के अंदर जहाँ पर वहाबिज़म पढ़ाया जाता है वहाँ पर किताब है अल्लमू औलादकुम हुब्ब आल मोहम्मद। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपनी औलाद को अल्लमो, औलाद को सिखाओ। क्या सिखाओ? मोहब्बत अहले बैत। कहाँ पर? सऊदी अरब में। क्यों? जहाँ जहाँ कुरान की बातें हैं वहाँ वहाँ अहले बैत की बात, कहीं निकाल ही नहीं सकते। अभी हाल में देखा आपने अल्लामा तारिक जमील साहब क़िबला, अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब क़िबला और इंडिया के बड़े नदवे के आलिम मौलाना सैयद सलमान नदवी साहब क़िबला किताबें रख कर के अपने हज़ारों के मजमे में गदीर हुई ये सच है, गदीर हुई ये सच है, मन कुन तो मौला ये सच है, सब ये कह रहे हैं। फिर परेशानी क्या है? सुन्नी भी कह रहा है मन कुन तो, शिया भी कह रहा है मन कुन। तवज्जो मेरा मजमा। फिर परेशानी क्या है? सुन लो शिया तुम भी सुन लो, सुन्नी तुम भी सुन लो, मन कुन तो मौला। अली की मोहब्बत का ऐलान नहीं है, अली की हुकूमत का। सवा लाख के मजमे को खड़ा करके कोई ड्रामा नहीं मचाया जा रहा था जी। 4 घंटे का खुतबा, सबसे ज़िंदगी में सबसे बड़ा खुतबा गदीर का, और ऐसे मकाम पे खड़ा किया कि सब भूल जाएं, धूप ना भूलें। ये सर जल रहे हैं, पैर जल रहे हैं, किसी के हैं? हाँ भाई, सर भी जल रहे हैं, पैर भी जल रहे हैं। हम तो कूद पड़ते हैं आग में अली कहकर। ये आग नहीं, आग अरबी में कहते हैं जंग को। हम तो कूद पड़ते हैं आग में अली कहकर, बाज लोग हैदर के नाम ही से जलते। जी ना, बाज लोग हैदर के। क्या किस चार खुसूसियतें गदीर की? नंबर 1 4 घंटे का खुतबा, 4 आवर्स का खुतबा। नंबर 2 धूप, चिलचिलाती धूप, लोग हवा में निकाल के पैरों तले रख रहे थे। 3 कजाओं का मेंबर जी। 4 हमेशा खुतबा सरकार देते थे, कोई पहलों में नहीं होता था। अब पहलों में बिठाया सब, ये क्यों बैठे हुए हैं परेशान, ये क्यों बैठे हुए हैं, ये क्यों बैठे हुए हैं। आखिर में खुतबा ख़त्म हुआ, सरकार के सामने रसूलुल्लाह ने खाक ला करके अली को खड़ा कर दिया। अली को ने पूरे भरपूर जी, 30 साल का फ़र्क था भाई, कोई बच्चा नहीं था। बच्चे को सामने लाएंगे तो पूरा वजूद हमारा रहता, सिर्फ बच्चा। लेकिन एक बड़े को लाएंगे खुद छुप जाएंगे। सरकार ये कह रहे थे मैं जब छुप जाऊं तो ये अली, मैं जब ख़त्म हो जाऊं ये अली है। यानी मेरे बाद साबिका इससे पड़ेगा। हिजरत में कौन? अली। खंदक में कौन अली, ओहद में कौन अली, बद्र में कौन अली, वहाँ वो कौन सी जगह है जहाँ अली नहीं है? एक ही जगह है जहाँ अली नहीं है, वो जहन्नम है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वालो। इंशाल्लाह कोशिश ये करें कि हमारे जज्बों को रिवाइव करें, ज़िंदा करें। किस तरह से? तालीम के ज़रिए से, नॉलेज के ज़रिए से, साइंटिफिक नॉलेज के ज़रिए से। कुरान को साइंटिफिक उसूलों से ले जाइए, और उसी तरह से करबला को भी साइंटिफिक उसूलों पे ले जाइए। एक मरतबा रोना तो है हमारे पास साथ, अगर इंसान हैं, वाक़यात देखता है तो रोना ही है, लेकिन जब डीपर जाते हैं तो परवरदिगार की मोहब्बत की इंतहा को अगर किसी ने बताया है तो हुसैन इब्न अली। सब ले लेकर शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह ने इतना दे दिया, भाई माल दिया सजदा करो, औलाद दी सजदा करो, सेहत दी सजदा करो, शुक्र अदा करो, नहीं करते। लेकिन हुसैन कौन है? दे दे के शुक्र अदा कर। कौन है हुसैन? जो दे दे के शुक्र अदा। मालिक मुझे ऐसे सहाबा मिले जो मेरे नाना को भी नहीं मिले, जो मेरे बाबा को भी नहीं मिले, जो मेरे भाई को भी नहीं मिले। इना साहब को ले ले, मुस्लिम इब्न औसजा ले ले, हबीब ले ले, हुर ले ले, ले ले मालिक। और हर एक को देने के बाद रिदन बेकदाए हैं व तस्लीमन ले अम्रे, परवरदिगार मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी रज़ा चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत का ये मेयार हुसैन ने इस बुलंदी पे पेश किया। ए दुनिया वाला, तुमने इस घर की ईंट से ईंट बजा दी। यह छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, 6 महीने के बच्चे पर भी तलवा तीथी चला दी। अब तुम्हें सुकून हो जाना चाहिए, लेकिन पुरसुकून नहीं रही। लोगों ने ख़याम को आग लगा। अजरुकुम अल्लाह। गौर कीजिए, जितना करना था कर दिया। अब एक मसाइब का एक जुमला कहूँगा, उसके ऊपर आप बहुत गौर करें। आप करबला के बाद शाम गरीबा 4 साला बच्ची, हाँ, तमाचे लग रहे हैं। जब छोटे बच्चों पे तमाचे लगते हैं सहम जाते हैं जी। जब ज़्यादा बार बार तमाचे लगते हैं तो पूछेंगे बच्चे, आखिर बताओ तुम क्या चाहते हो? तवज्जो, बताओ क्या चाहते हो? पूरी तारीख उठा के देखिए, सकीना ने कहीं नहीं पूछा तुम चाहते क्या हो। यानी जो मेरे बाबा की ना है वही मेरी ना है। बाबा ने ये कहा था यजीद की बैत नहीं करूँगा, मैं भी वही हूँ। तुम तमाचे मार लो, बुंदे खींच लो, दामन में आग लगा। अजरुकुम अल्लाह। हमीद इब्न मुस्लिम यजीद की आर्मी का अपॉइंटेड राइटर है। वो कहता है कि मैंने देखा ख़याम जल रहे थे। एक तवील उल्क़ामत बीबी, उसने कमर को कस लिया था, एक एक बच्चे को बाहर लाती जाती थी, बिठाती जाती थी। इतने में मैंने देखा एक 4 साला बच्ची बाबा 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 कहते हुए बाहर निकली। बुझाने वाला चाहता है बुझा दे, रुक जा, हम आले मोहम्मद हैं, जल के मर जाएंगे, ना महरम हाथ न लगाने। एक ही जुमला, उम्मीद है कि हमारे मुसाब होंगे। हुजूर किसी घर में यतीम दे, अगर यतीम बच्चा रोने लगता है इसका संभालना आसान नहीं है, खुसन बाप को याद करके रोए। जनाब ज़ैनब ने सब बच्चों को जमा किया। अब जब तलाश करने लगी सकीना नज़र नहीं आती, कभी इधर गई कभी उधर गई, कभी अब्बास को पुकारा अब्बास, सकीना नज़र नहीं आती है। अली अकबर, सकीना नज़र नहीं आती है। इतने में घोड़ा सवार दिखाई दिया। अरब बता किसी बच्ची को तूने देखा है? कहा मैंने किसी बच्ची को नहीं देखा, फुरात पर मैं अपने घोड़े को पानी पिला रहा था। एक दर्दनाक आवाज़ ऐसी आई, घोड़े ने पानी पीना छोड़ दिया। कहा बता किस तरफ से आवाज़ आई? कहा वो नशेब का मकाम है। ज़ैनब समझ गई बच्ची बाप के पास पहुंच गई है। औलाद वालों, ज़ैनब ने पूछा किसी के पहचानने के दो तरीक़े हैं, या लिबास हो तो पहचाने, या सर हो तो पहचाने। तेरे बाबा के न सर है न लिबास है, तुमने कैसे पहचाना? का फूफी अम्मा, बाबा ने खुद बुलाया था। सीने से लगाया, तसल्ली तशफ़ी के जुमले कहे, समझाया बच्ची को और कहा चलो घर चलें। सकीना ने सादगी से सवाल किया, पुपी अम्मा अब घर कहाँ है? ख़याम तो जल गए। कहा बेटी जहाँ पर सब जमा हैं सब चलो, आखिरी जुम्मा है जुमला है, ज़रा सर रोने के लिए। कहा ये दो कदम पीछे हटी, वापस आई, एक जुमला कहा, फूफी अम्मा बाबा अकेला लेटा। वसयलमु लदीना ज़लमू अय्यमुन कलबी कलबून। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह वअलल अरवाह लती हल्लत बिफनाइक वाना खद बरहलक अलैकुम मिन्ना सलाम अबदन मा बक़ीत व बक़ियल लैल वन नहार। अस्सलामु अलल हुसैन वअला अली इब्न अल हुसैन वअला औलाद अल हुसैन वअला असहाब अल हुसैन। फ़या लैतना कुन्ना मअकुम फ़नफ़ूज़ मअकुम फ़ौज़न वल्लाह। खुदाया परवरदिगार, हमारे इन आंसुओं की कसम हमारे गुनाहों को बख्श दे। आइंदा गुनाहों से तू अपने यदे कुदरत से बचा ले। परचम इस्लाम को बुलंद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को, दहशतगर्दों को, दहशतगर्दों के सरगनों को तहस नहस कर दे। मज़लूमीन मोमिनीन की मदद फरमा, मोमिनीन मज़लूमीन को क़ियाम करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मोमिनीन दुनिया भर में जहाँ जहाँ हैं उनकी जान माल आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। जो परेशान हाल उनके परेशानियों को दूर फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार इनायत फरमा, मक़रूज़ों के कर्ज़ों को अदा फरमा, बीमारों को शिफा दे। हमारे जिस्मानी अमराज के साथ साथ रूहानी अमराज में गुरूर व हसद व किब्र व निफाक़ व नख़वत व गीबत को दूर फरमा। जो गोदियाँ खाली हैं उन्हें पुर कर दे। जो लड़के लड़कियाँ बिन ब्याह के हैं उनके ब्याह कर दे। सुफूफ मुस्लिमीन को मुत्तहिद कर दे। हमें बाँटने वाली सैहूनी क़ुव्वतों को बाँट दे। ममालिके इस्लामिया की हिफाजत फरमा। मराजे रहबर के सायक हमारे सरों पर सलामत रख। इनकलाब इस्लामी को इनकलाब महदी तक मिला दे। जल्द से जल्द मौला का ज़ुहूर फरमा। हम सब को नासिरों में शुमार फरमा। मातम हुसैन।